गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कल हमने प्लेटियल मेंथ में बॉडी वॉल तक पढ़ लिया था। आज हम बॉडी वॉल से आगे जो उसके सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। प्लेटियल मेंथ में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा, कम्प्लीट होगा या इनकम्प्लीट होगा, डाइजेशन किस तरह से होगा, हम आज उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम अगर प्रेजेंट है तो कैसा है, इनकम्प्लीट है। नहीं, बहुत सारी ऐसे भी फॉर्म हैं, ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। इफ़ प्रेजेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ इनकम्प्लीट। अगर प्रेजेंट है तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, इनकम्प्लीट है। और डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट का मतलब जिसमें एक ही सिंगल ओपनिंग हो, ठीक, जिसमें सिंगल ओपनिंग हो और उसी से फूड का इंजेशन हो और जो एक्सक्रीटरी सॉलिड जो वेस्ट है उसका इंजेशन हो। ठीक है, अगर प्रेजेंट है तो इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट, जैसे टेपवर्म है, एग्जांपल लें हम जैसे टेपवर्म, तो टेपवर्म के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे और भी कई सारे एग्जांपल हैं जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट। और जो पैरासिटिक फॉर्म है, जो पैरासाइट हैं, एंडो पैरासाइट्स हैं, तब उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एब्सेंट होता है। जैसे टेपवर्म, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट। और भी पैरासाइट्स हैं जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, डाइजेशन जो है वो इंट्रासेलुलर भी है और इंटरसेलुलर भी है, वही एक्स्ट्रासेलुलर की तरह से। ठीक है, डाइजेशन इज बोथ इंटरसेलुलर, ठीक है, और इंट्रासेलुलर। सेल के अंदर भी डाइजेशन होगा और सेल के बाहर भी डाइजेशन होगा। ठीक है, डाइजेशन इज इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर मीन्स सेल के अंदर होगा और इंटरसेलुलर मीन्स सेल के बीच में होगा, मतलब सेल से बाहर होगा यहाँ। ठीक है, और जो पैरासाइट्स हैं वो डाइजेस्टेड फूड लेते हैं, ठीक है, तो उन्हें इस तरह से डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डाइजेस्टेड और सेमी डाइजेस्टेड फूड लेते हैं वो, तो उन्हें डाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है, कोई वेल डेवलप्ड या किसी तरह का सिस्टम नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है यहाँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है तो फिर रेस्पिरेशन कैसे होगा, गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा, और गैसियस एक्सचेंज जो है वो होगा बॉडी सरफेस से। ठीक है, रेस्पिरेशन बोलें और यह हम उसको बोल सकते हैं गैसियस एक्सचेंज, क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या होना है, गैसेस का एक्सचेंज होना है, CO2 जो है उसको लीव करना है, छोड़ना है उसे एनवायरनमेंट में, और जो O2 है, ऑक्सीजन है, उसको एब्जॉर्ब करना है। तो ये जो प्रोसेस है ये होगी बॉडी सरफेस से, अकर्स थ्रू बॉडी सरफेस। लेकिन रेस्पिरेशन जो है एरोबिक है या एनएरोबिक है, वो भी हमें देखना है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो तो फ्री लिविंग फॉर्म, जो फ्लैटवर्म्स हैं और कुछ जो पैरासाइट्स हैं उनमें, और जो मोस्टली जो पैरासाइट्स हैं उनके अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के दो टाइप हैं, जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, और एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो फ्री लिविंग जो फॉर्म्स हैं
उनके अंदर हैं फ्री लिविंग फ्लैटवर्म्स, जितने भी फ्री लिविंग हैं उनमें तो सब में एरोबिक होता ही है, इसके अलावा कुछ पैरासाइट्स भी हैं, सम पैरासाइट्स, कुछ पैरासाइट्स हैं जिनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। और दूसरा जो टाइप है रेस्पिरेशन का वो अनएरोबिक, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो पैरासाइट्स हैं उनके अंदर एनएरोबिक होता है। मोस्टली जो पैरासाइट्स हैं वो सब कैसे हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं तो वहाँ उन्हें गैसियस एक्सचेंज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मोस्टली एनएरोबिक। मोस्टली पैरासाइट्स आर एनएरोबिक एंड एरोबिक, ठीक है। पैरासिटिक फॉर्म जो है उनको इस तरह से फिर गैसेस एक्सचेंज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, ठीक है। ऑक्सीजन की उन्हें ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, क्योंकि फूड को डाइजेस्ट करना है तो फूड डाइजेस्टेड जो फूड है वो ऑलरेडी लेंगे, तो इस तरह से उन्हें डाइजेस्टिव सिस्टम की और ऑक्सीजन की ज़रूरत वहाँ नहीं पड़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास करेक्ट सिस्टम है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम, और सर्कुलेटरी सिस्टम भी क्या होता है, अब्सेंट होता है, ठीक है। ऐसे वेल डिफाइंड को सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है उनके पास में, लेकिन फिर भी फूड का जो ट्रांसपोर्ट है उसमें कौन हेल्प करता है, और वो हेल्प करता है पैनकाइमल फ्लूइड, ठीक है, पैनकाइमल फ्लूइड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। पैनकाइमल फ्लूइड जो है वही बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर जाता है, जब मसल जो मस्कुलर लेयर है बॉडी वॉल की, जब वो कॉन्टैक्ट करते हैं रिलैक्स करते हैं, तो उसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से जो बॉडी फ्लूइड है या जो जो ये पैनकाइमल फ्लूइड है ये क्या कर जाता है, सर्कुलेट कर जाता है बॉडी के अंदर, और उसी के थ्रू जो मटेरियल उसमें प्रेजेंट होता है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। फूड मटेरियल भी है, कुछ गैसेस एक्सचेंज करने के लिए वो भी चीज़ें हैं, ठीक है, कुछ वेस्ट मैटर है वो भी सर्कुलेट कर जाता है उसमें। इसके बाद नेक्स्ट जो सिस्टम है इसमें वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में वैसे तो कोई पूरा वेल डिफाइंड सिस्टम नहीं है, लेकिन एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल सेल्स जो है यहाँ पर वो प्रेजेंट हो गए हैं, वो आ गए हैं, ठीक है। और वो सेल्स हैं जिनको हम फ्लेम सेल्स, सोलेनोसाइट या प्रोटो नेफ्रिडिया बोलते हैं, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ स्पेशल या पिक्यूलियर सेल्स, ठीक है। और वो सेल्स कौन सी हैं, पिक्यूलियर सेल्स दैट इज फ्लेम सेल्स, उनको हम फ्लेम सेल्स बोलते हैं क्योंकि उनकी जो अपीयरेंस है कुछ कुछ वो फ्लेम की तरह, जैसे कैंडल की जो फ्लेम है उसकी तरह से वहाँ कुछ ऐसा नज़र आता है, ठीक है। फ्लेम सेल्स बोले उनको, या उनका दूसरा नाम है सोलेनोसाइट्स, और या फिर हम उनको प्रोटो नेफ्रिडिया बोलते हैं, प्रोटो नेफ्रिडिया ये भी इनको बोला जाता है, ठीक है। फ्लेम सेल्स, सोलेनोसाइट्स या फिर हम उनको प्रोटो नेफ्रिडिया बोलते हैं, ठीक है। और ये ही जो फ्लेम सेल्स हैं, प्रोटो नेफ्रिडिया हैं या सोलेनोसाइट्स हैं, एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, हेल्प्स इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। ऑस्मोरेगुलेशन जिसके अंदर क्या किया जाता है, वाटर और जो सॉल्ट है उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है, ठीक है, मेंटेन वाटर
एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन इन द बॉडी। बॉडी के अंदर सॉल्ट और वाटर की जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन किया जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, जिसमें बॉडी की जो ऑस्मोलरिटी है, सेल की जो ऑस्मोलरिटी है वो मेंटेन रहती है, और एक्सक्रीशन जिसके अंदर जो लिक्विड वेस्ट है उसको रिलीज किया जाता है या बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ पर जो लिक्विड वेस्ट होगा, नाइट्रोजिनस जो वेस्ट होगा उसमें अमोनिया और फैटी एसिड्स होंगे। अमोनिया एंड फैटी एसिड्स आर द कॉमन एक्सक्रीटरी वेस्ट, आर द कॉमन एक्सक्रीटरी वेस्ट। ठीक है, अमोनिया या फिर फैटी एसिड भी हैं कुछ, लेकिन मेन जो है वो क्या है, अमोनिया है। ठीक है, और अमोनिया चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट है, इसलिए अगर हम देखें तो प्लेटेलमेंट कैसे हो गए हैं, अमोनोटैलिक हो गए हैं। तो कैसे हो गए ये, अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो प्लेटेलमेंट कैसे हैं, अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म से। तो यहाँ हम देखते हैं कि फ्लेम सेल्स जो हैं वो हमें कैसे नज़र आते हैं। तो पहले उनका डायग्राम बनाते हैं कि कैसे होते हैं फ्लेम सेल्स। ठीक है, ये एक फ्लेम सेल है, और ऐसे बहुत सारी फ्लेम सेल्स होती हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, जुड़ी होती हैं डक्ट्स के थ्रू। ठीक है, और इसमें से ये जो सेल आपको नज़र आ रही है एक फ्लेम सेल है। इसमें ये जो है वो क्या है, न्यूक्लियस है उस फ्लेम सेल का। ठीक है, और ये ऐसे जो हैं जो आपको ऐसे डॉट्स जो नज़र आ रहे हैं, ये हैं ग्लोब्यूल्स ऑफ एक्सक्रीशन। ये वो ग्लोब्यूल्स हैं जिनको एक्सक्रीट करना है। ठीक है, ग्लोब्यूल्स ऑफ एक्सक्रीशन, ग्लोब्यूल्स ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, ग्लोब्यूल्स ऑफ एक्सक्रीशन, ये इस सेल का साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, ये क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा यहाँ। ठीक है, ये जो हैं वो बेसल ग्रेन्यूल हैं, जहाँ से ये सीलिया लाइक जो स्ट्रक्चर हैं ये अराइज हो रहे हैं, बेसल ग्रेन्यूल्स। ठीक है, और इसको, इस स्ट्रक्चर को, ये जो हमें फ्लेम की तरह से ऐसे नज़र आ रही है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सीलियरी फ्लेम, जहाँ पर इन सब के ये जो बेसल ग्रेन्यूल्स हैं सबसे जो सीलिया राइज होके और एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, सीलियरी फ्लेम। ठीक है, और ये जो है वो सेल का ल्यूमन है। ठीक है, ये है कैपिलरी डक्ट, कैपिलरी डक्ट। ठीक है, और यहाँ से ये एक्सक्रीटरी डक्ट हो जाएगी, जहाँ से सभी सेल्स के जो एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं वो आते रहेंगे। यहाँ से एक सेल और ऊपर अराइज होगी, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, यहाँ एक और ऊपर ऐसे ही फ्लेम सेल और होगी यहाँ से। ठीक है, तो ये एक फ्लेम सेल है, और ये फ्लेम सेल किसके अंदर है, ये किस ऑर्गेनिज्म की फ्लेम सेल है, ये प्लेन एरिया की फ्लेम सेल इन प्लेन एरिया। प्लेन एरिया में ऐसे दिखती है फ्लेम सेल। और एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम बात करें फैशियोला हिपैटिका, तो फैशियोला हिपैटिका के अंदर तो फ्लेम सेल की थोड़ी स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा अलग टाइप है, वो भी हम देख लेते हैं किस तरह की स्ट्रक्चर होगी उसके अंदर। तो ये हम इस तरह से बनाते हैं उसको। ठीक है, और यहाँ से इस तरह जब हम इसको बनाएंगे तो उसमें ऐसे बहुत सारे सेलुलर जो प्रोसेस जी हैं वो यहाँ हमें नज़र आएंगे ऐसे।
इस तरह से काफ़ी सारी जो प्रोसेस हैं वो हमें नज़र आती हैं इसमें, इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, ये वही न्यूक्लियस होगा और ये जो है उसका साइटोप्लाज्मिक मटेरियल होगा, यहाँ पर साइटोप्लाज्म होगा और इसी के अंदर जो हैं वो ऐसे छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स होंगे जिनको एक्सक्रीट करना है। ठीक है, ग्लोब्यूल्स ऑफ एक्सक्रीशन, ये क्या होंगे, ग्लोब्यूल्स ऑफ एक्सक्रीशन, जो भी हमने उसमें लिखे हैं, ग्लोब्यूल्स ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, ये क्या हो गया है उसका न्यूक्लियस। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है यही ना हम साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस बोलें या फिर हम इनको सूडोपोडिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, सूडोपोडिया की तरह की ये स्ट्रक्चर्स हैं और इनको या तो हम सूडोपोडिया बोल देते हैं या फिर साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से वहाँ जैसे ये बेसल ग्रेन्यूल्स हैं, बेसल ग्रेन्यूल्स यहाँ पर भी ऐसे ही प्रेजेंट होंगे और इन बेसल ग्रेन्यूल से ही सीलिया जो है वो यहाँ अराइज होंगे ऐसे। तो एक पूरा जो फ्लेम की तरह से ये अपीयरेंस है ये नज़र आती है यहाँ, इसीलिए इसको फ्लेम सेल्स भी बोला जाता है, इसीलिए इनको फ्लेम सेल्स बोला जाता है कि इस तरह की जो अपीयरेंस है फ्लेम की तरह की वो यहाँ पर नज़र आती है ऐसे, इस तरह से। तो ये हो जाएंगे बेसल ग्रेन्यूल, बेसल ग्रेन्यूल्स, और ये हो जाएगा सीलियरी फ्लेम। ठीक है, और ये हो जाएगी कैपिलरी डक्ट, कैपिलरी डक्ट, ये हो जाएगा यहाँ से सेल का ल्यूमन। ठीक है, तो ये एक दूसरी फ्लेम सेल है, दूसरे ऑर्गेनिज्म की फ्लेम सेल है और ये जो फ्लेम सेल है वो है फेशियोला हिपैटिका। ठीक है, ये फ्लेम सेल किसकी है, फेशियोला हिपैटिका की, फेशियोला ऑर्गेनिज्म है, फ्लेटल मिंथ है एक और ये उसकी फ्लेम सेल है फेशियोला हिपैटिका, ये उसकी फ्लेम सेल होगी। ठीक है, तो इस तरह से जो प्लेटल मेंस हैं उनके अंदर फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं और ये फ्लेम सेल्स जो हैं वो एक्सक्रीटरी फंक्शन करती हैं, तो ये जो अपीयरेंस है ये फ्लेम की तरह से नज़र आती इसलिए इनको फ्लेम सेल बोला गया है। ठीक है, और यहाँ से सारा ये और इंटरकनेक्टेड होंगे, बहुत सारे और सेल्स होंगे जो उनके साथ में आपस में जुड़े होंगे, तो सिर्फ एक सिंगल सेल को दिखाया गया, ऐसे बहुत सारे सेल्स होंगे उनके पास में। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद हम पढ़ते हैं सेंसरी सिस्टम। तो सेंसरी सिस्टम में इसके पास कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जिससे ये सेंस करता है एनवायरनमेंट को। ठीक है, तो सेंसरी सिस्टम में कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं इसके पास में, इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स, वेरियस स्ट्रक्चर्स फॉर सेंसेशन, फॉर सेंसेशन। तो इन्हीं में एग्जांपल में अगर हम देखें तो फर्स्ट है जैसे आई स्पॉट, फर्स्ट यहाँ लिख दें, फर्स्ट है एक जो सेंसरी स्ट्रक्चर है उसके पास वो है आई स्पॉट, और आई स्पॉट जो है वो कैसी होती है, फोटो सेंसिटिव होती है। ठीक है, फोटो सेंसिटिव मतलब सेंस लाइट, ये आई स्पॉट क्या करती है, लाइट को सेंस करती है, सेंस लाइट मतलब फोटो सेंसिटिविटी शो करती है, फोटो सेंसिटिव, फोटो सेंसिटिव होती है। आई स्पॉट है स्ट्रक्चर है लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये लाइट को ही सेंस करेगी, कोई इमेज जो है वो नहीं बनेगी इसके अंदर, हाँ लेकिन एक रूडिमेंट्री आई की तरह ये काम
करती है, रूडिमेंटरी आई की, जिससे अब आगे धीरे 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 आई का जो डेवलपमेंट है वो होगा इस तरह से। ठीक, एक और स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं सीलिएटेड पिट्स, सीलिएटेड पिट्स। और सीलिएटेड पिट्स जो हैं वो केमिकल चेंज को सेंस करते हैं, सेंस केमिकल चेंज। एक्वेटिक है तो पानी के अंदर कैसा केमिकल चेंज आ रहा है, पीएच घट रहा है बढ़ रहा है, ठीक है, उसको ये, टेम्परेचर घट रहा है या बढ़ रहा है उसको ये सेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो सीलिएटेड पिट्स जो है वो तो सिर्फ केमिकल जो चेंज है, ठीक है, उसको सेंस करेंगे कि पानी में कोई चेंज आया है, ये उसको सेंस कर लेंगे, जिनको हम बोलते हैं कीमो रिसेप्टर। तो ये सीलिएटेड पिट्स किसकी तरह काम करेंगे, कीमो सेंसिटिव होंगे या हम कहें कीमो रिसेप्टर्स होंगे एक तरह से, ये कीमो रिसेप्टर्स। ठीक है, फिर एक दूसरे हैं, दूसरा और एक पार्ट है वो है टैंगो रिसेप्टर, थर्ड टैंगो रिसेप्टर, टैंगो रिसेप्टर। और टैंगो रिसेप्टर जो है वो किसको सेंस करता है, टच को सेंस करता है, सेंस टच। ठीक है, टच को ये सेंस करेगा टैंगो रिसेप्टर, ये भी बॉडी पे होंगे। इसके बाद एक फोर्थ और होगा, वो होगा रियो रिसेप्टर, रियो रिसेप्टर, रियो रिसेप्टर्स। ठीक है, और ये रियो रिसेप्टर्स जो हैं वो किसको सेंस करते हैं, वाटर करंट को सेंस करते हैं, सेंस वाटर करंट। ठीक है, वाटर करंट को ये सेंस करते हैं। तो सेंसरी स्ट्रक्चर्स जो हैं ये जितनी हैं, ठीक है, ये सभी सेंसरी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो जो फ्री लिविंग फॉर्म्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो पैरासिटिक फॉर्म हैं उसमें ये नहीं होती हैं। ज़्यादातर जो पैरासाइट्स हैं उनमें ये किस तरह की कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन फ्री लिविंग फॉर्म, सेंसरी स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन फ्री लिविंग फॉर्म, इन फ्री लिविंग फॉर्म। ठीक है, पैरासाइट्स जो होते हैं उनमें इस तरह की स्ट्रक्चर नहीं होती, मोस्टली जो पैरासाइट ज़्यादातर उनमें इस तरह की स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक, पैरासाइट्स आर लैक मोस्ट ऑफ देम, आर लैक मोस्ट ऑफ देम। तो पैरासाइट के अंदर इनमें से ज़्यादातर स्ट्रक्चर नहीं होती है। ठीक है, तो ये था सेंसरी स्ट्रक्चर, इनको आपको याद रखना है। आई स्पॉट जो मेन है, ठीक है, ये लाइट को सेंस करता है, रूडिमेंट्री आई की तरह ये काम करता है, रूडिमेंट्री आई। ठीक है, रूडिमेंट्री आईज की तरह काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो इनका फीचर है, सिस्टम जो है वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इनके अंदर प्रिमिटिव है, ठीक है। अब सिलेंट्रेट से थोड़ा सा नर्वस सिस्टम और थोड़ा डेवलप हो गया है, सिलेंट्रेट्स के कंपैरिजन में नर्वस सिस्टम जो है वो यहाँ थोड़ा सा और डेवलप हो गया है, उनसे अच्छा नर्वस सिस्टम इनका बन गया है। ठीक है, और इनका जो नर्वस सिस्टम है उनके अंदर एक तो ए पेयर ऑफ एंटीरियर गैंग्लिया होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स होती हैं और ट्रांसवर्स नर्व्स, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स कनेक्टेड बाय ट्रांसवर्स नर्व्स, ट्रांसवर्स नर्व होंगी जो लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड को कनेक्ट करेंगे। तो लेडर लाइक है, सीढ़ियों की तरह से बनता है, अभी डायग्राम बनाएंगे जो आपको नज़र आ जाएगा। तो नर्वस सिस्टम क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ एंटीरियर, बॉडी की जो एंटीरियर पोजीशन होगी वहाँ पर गैंग्लिया होंगे, नर्व गैंग्लिया, गैंग्लिया मतलब ग्रुप ऑफ जो नर्व सेल्स हैं उनको हम गैंग्लिया बोलेंगे।
विद लोंगिट्यूडनल, लोंगिट्यूडनल नर्व कॉर्ड होगा, बॉडी की जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग एक नर्व कॉर्ड होगा जिसे जो आपस में जो दूसरे जो ट्रांसवर्स नर्व्स हैं उनसे कनेक्टेड होगा, जिससे अलग अलग टाइप की ये काफ़ी सारी नर्व सेल्स जो है उसके साथ कनेक्ट रहेंगी। ठीक है, नर्व कॉर्ड कनेक्टेड बाय ट्रांसवर्स, कनेक्टेड बाय ट्रांसवर्स नर्व्स। ठीक है, कनेक्टेड बाय ट्रांसवर्स नर्व्स जो हैं उनसे कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, तो हम इसको एक बार डायग्रामेटिकली देखते हैं, उसके बाद ही आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से लेडर टाइप नर्वस सिस्टम ने क्या बोला, नर्व कॉर्ड कहाँ पर है और लॉन्गी कैसे वो कनेक्ट होती है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो ये एक डायग्राम जो है वो है एक फ्लैटवर्म जिसका नाम है प्लेनेरिया। ठीक है, और इस फ्लैटवर्म में इस प्लेनेरिया के अंदर कौन कौन से पार्ट जो है, कौन सा पार्ट जो गैंग्लियन है, कौन सा पार्ट वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, लॉन्गिट्यूडनल जो नर्व कॉर्ड्स हैं वो है या ट्रांसवर्स नर्व्स है। ठीक है, तो ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है ऐसा या इंटीरियर पोर्शन पे ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये क्या है, सेरेब्रल गैंग्लियन, सेरेब्रल गैंग्लियन बोलते हैं इसको। गैंग्लियन मीन्स ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स, या बहुत सारी नर्व सेल्स का एक ग्रुप है यहाँ जिसको हम बोल देते हैं गैंग्लियन। तो दो होंगे, एक ये होगा एक इधर साइड में होगा। ठीक है, ये एंटीरियर पोजीशन है, माउथ वाला पार्ट है इधर, इधर यहाँ पर आईज होंगे इसके, और ये जो लाइन आपको दिख रही है ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये क्या है, वेंट्र लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड है। ये लाइन जो है वो क्या है, ये वाली लाइन लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड है ये। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड, इससे और नर्व फाइबर्स जो हैं वो अराइज होंगे इधर साइड से, और इन दोनों जो नर्व कॉर्ड हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल जो नर्व कॉर्ड हैं इनको कनेक्ट करने के लिए ये जो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये जो लाइनें किसकी हैं, ये कोई यहाँ बीच बीच में कौन से सेल प्रेजेंट हैं, जो ट्रांसवर्स नर्व्स हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ट्रांसवर्स नर्व्स, ट्रांसवर्स नर्व्स, या फिर हम इनको कॉमिसर बोल देते हैं। ठीक है, कॉमिसर बोल देते हैं जो इनको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये ट्रांसवर्स नर्व्स होंगी जो इन नर्व कॉर्ड को, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड को ये कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो लेडर की तरह से बन गया, जैसे ये दो सीढ़ी जो होती है हमारे पास ऊपर किसी दूसरी जगह पर ऊंचाई पर चढ़ने के लिए, तो ये ऐसे ये उनकी छोटी छोटी क्या हो गई, स्टेप्स हो गए हैं, ये ऐसे नज़र आता है लेडर टाइप हमें नज़र आता है नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये नर्वस सिस्टम प्लेन एरिया का, तो नर्वस सिस्टम के अंदर गैंग्लियन है, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड है और ट्रांसवर्स नर्व्स हैं, या इनको हम कॉमिसर भी बोलते हैं जो लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास फीचर है, नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अंदर हमें पढ़ना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में पहले हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पर मोस्टली जो फ्री लिविंग फॉर्म्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है, और बाइनरी फ्यूजन जो है वो होता है इनके अंदर। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मोस्टली जो फ्री लिविंग फॉर्म्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन मोस्टली फ्री लिविंग फॉर्म्स, फ्री लिविंग फॉर्म मतलब जो फ्री लिविंग
प्लेटल मेंस हैं उनके अंदर प्रेजेंट है। और कैसे होगा, बाई ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, बाई ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन होगा, ठीक है, बाइनरी फ्यूजन होगा और ट्रांसवर्सली बॉडी जो है वो डिवाइड करेगी, तो उसको हम डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। इसके बाद पावर ऑफ रीजनरेशन अच्छी होती है इनके अंदर, कुछ एक बहुत सारे ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके अंदर रीजनरेशन की पावर होती है, ठीक है। पावर ऑफ रीजनरेशन इज वेल डेवलप्ड, ठीक है। रीजनरेशन की पावर जो है वो काफ़ी अच्छी इनके अंदर डेवलप है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो मोस्टली जो इसके अंदर प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, वो मोनोसियस हैं। वो कैसे हैं, मोनोसियस हैं। मोनोसियस मतलब बाईसेक्सुअल हैं, ठीक है, एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं यहाँ पर वो वेल डेवलप्ड हैं। ये एक एडवांस करेक्टर हो गया है कि जो बाकी के जो फाइलम अभी तक हमने पढ़े हैं उनसे इनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो वेल डेवलप्ड हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में यहाँ जैसे ओवरीज होंगी एग प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे वो मेल गैमेट जो है स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। और फर्टिलाइजेशन जो यहाँ होगा रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो कैसा होगा, इंटरनल। फर्टिलाइजेशन इज जनरली इंटरनल है, जनरली इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा इसमें, ठीक है। और अगर हम गैमेट्स के बेस पे देखें तो फर्टिलाइजेशन जो है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी है और कहीं पर जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन है वो भी होता है इसमें, ठीक है। इसके बाद डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, डेवलपमेंट कैसे होगा, डेवलपमेंट क्या अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट कहीं पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी होगा। क्लीवेज जो है वो होलोब्लास्टिक होगा, क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा, ठीक है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो वहाँ पर लार्वा बनेंगे, कुछ लार्वा के नाम हम यहाँ लिख देते हैं कि कौन कौन से लार्वा यहाँ प्रेजेंट होते हैं। लार्वल स्टेज एक या एक से ज़्यादा स्टेजेस जो होती हैं वो लार्वा की हैं आती हैं, ठीक है। सम लार्वे ऑफ प्लेटल मीन्स प्लेटिहल मीन्स, ठीक है। तो कुछ लार्वा के एग्जांपल जो हैं यहाँ जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में बनते हैं, जैसे इसमें मीरासीडियम, मीरासीडियम लार्वा है, स्पोरोसाइट है, ये लार्वा के नाम हैं जो यहाँ बनते हैं। स्पोरोसिस्ट रेडिया, ठीक है। हेक्जाकेंथ ऑन्कोस्फियर, ये कुछ लार्वा के नाम होते हैं, ठीक है। इसके बाद डेवलपमेंट के बाद अब हम देखते हैं कि जो यूनिक फीचर जो हैं इसके वो कौन कौन से हैं, ठीक है, यूनिक फीचर कौन कौन से होंगे इस फाइलम के। तो
डेवलपमेंट में आपको याद रखना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होगा। डायरेक्ट होगा तो डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म बनेगा, वो अपने पेरेंट के बिल्कुल सिमिलर होगा। इनडायरेक्ट में लार्वा की फॉर्म होगी, लार्वा बनेगा। कई सारे लार्वा के नाम आपको यहाँ दिख मीरासीडियम, स्पोरोसिस, ट्रेडिया, एग्जाकेंथ और ऑंकोस्पोर, ये कई तरह के लार्वा यहाँ पर बनते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद हम इसका जो यूनिक फीचर है वो देखते हैं, कौन कौन से यूनिक फीचर हैं इनके अंदर जो और दूसरे फाइलम में नहीं है अभी तक, जो अभी तक जो हमने फाइलम पढ़े हैं उनके अंदर नहीं है, वो यूनिक फीचर्स इनके देखते हैं। तो यूनिक फीचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या आ गया है, पैरेन्काइमा आ गया है, एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जो बॉडी वॉल और जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके बीच में होगा, ठीक है। इसके बाद एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पर क्या आ गए हैं, फ्लेम सेल्स आ गए हैं, फ्लेम सेल्स फॉर एक्सक्रीशन एंड रेगुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट यूनिक फीचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो गया है, लेडर लाइक नर्वस सिस्टम हो गया है, लेडर लाइक नर्वस सिस्टम हो गया है, ठीक है। और इसके बाद में सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो है कुछ फ्लैटवर्म के अंदर वो भी हो गया है, ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होते हों और वो जो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर प्रोड्यूस होंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन सम फ्लैट वॉर्म, ठीक है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर है टेप वॉर्म, ठीक है। टेप वॉर्म जो है उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ एडवांस करेक्टर जो है उनके वो देखते हैं, तो कुछ एडवांस फीचर जो हैं इसके जो मतलब टीनोफोरा से इनके अंदर क्या एडवांसमेंट है वो कौन कौन से फीचर हैं। तो टीनोफोरा की बात करें तो टीनोफोर जो है वो तो डिप्लोब्लास्टिक थे, लेकिन जो प्लेटियल मीन्स है वो कैसे हो गए, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यहाँ पर तीन जर्म लेयर्स आ गई हैं, ठीक है। और वहाँ पर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, यहाँ पर क्या हो गया है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, ठीक है। और यहाँ वेल डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन हो गए हैं, वेल डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन, ठीक है, वेल डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन आ गए, ओवरीज जो है वो डेवलप हो गई हैं जिससे एग बनेंगे, और दूसरे जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से वो भी डेवलप हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये था अभी प्लेटल मीन्स के जनरल फीचर्स भी थे, इसमें सारे कंप्लीट हो गए हैं, एडवांस फीचर भी हैं, यूनिक फीचर भी हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद हम इसका जो क्लासिफिकेशन है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।